नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम बहन सिंह जी सर का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? उषा। इंसान। क्या क्वालिफिकेशन है? MBA BEd। मैं पेशे से अध्यापिका हूँ, बच्चों को शिक्षा देती हूँ। मैं 19 साल हो गए हैं मुझे, और मैंने जब नामदान लिया था तो तब मेरी उम्र 8 साल थी। कैसा माहौल देखा है मैम आपने? हमने ऐसा माहौल देखा है कि हमारी गर्मी की छुट्टियां होती थी जब स्कूल की, तो हमारे पेरेंट्स यहाँ छोड़ जाते थे हमें, और हमने पूरी छुट्टियां यहाँ पे निकाली हैं महीना महीना। ऐसा माहौल था कि ऐसे लगता था जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। मैम यहाँ पर आपने कहा माहौल अच्छा है, मतलब आपको बीइंग अ गर्ल सेफ फील होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं शादी के बाद भी यहाँ पे 9 साल रही हूँ जी, तो मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया कि यहाँ पे असुरक्षा का माहौल है। यहाँ पे पूरी सुरक्षा है, गुरुजी के संरक्षण में ऐसे लगता है जैसे मैं अपने बाप के घर ही हूँ। मैम वो सब क्या था जो मीडिया चैनलों पर दिखाया गया? मीडिया ने सब बकवास दिखाया है, सब झूठ दिखाया है, बिका हुआ है मीडिया, एक भी बात में सच्चाई नहीं थी। मैम आज संत जी समाज में नहीं है, तो क्या लग रहा है जो बच्चों में, यूथ में, जो किस हम देख रहे हैं, आंखें खोल के देख रहे हैं कि यूथ गलत तरफ जा रहा है। सब मोबाइल पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं असुरक्षा का माहौल है चारों तरफ, कहीं भी सुरक्षा महसूस नहीं होती है। जरूरत है आज हमारी देश, बिल्कुल हमारे देश को संतों की जरूरत हमेशा रही है, रहेगी। मैम समाज भलाई के क्या योगदान रहे हैं संत जी के? इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिसके बारे में कोई कुछ सोच नहीं सकता, ऐसे ऐसे काम करवाए हैं। कौन ऐसी लड़कियों को पूछता है जैसे शुभ देवी हैं, उनसे विवाह करके उन्हें समाज में एक अहम स्थान देना, परिवार का मुख्य सदस्य मानना उन्हें, और बहुत सारे कार्य हैं जैसे सड़क पर जो मानसिक असंतुलन खो बैठे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाना, एक आम इंसान नहीं कर सकता, ये गुरु जी की सीख ही करवा सकते। पैसा वगैरह किसी तरीके का पैसे वगैरह मतलब नहीं, कभी नहीं आपको इस काम के? नहीं, हमें कोई पैसा नहीं मिलता, हमें गुरु जी की सीख मिली है, और उससे कहीं ना कहीं हमें आत्मिक संतोष मिला है, घर में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं, बच्चों में संस्कार पनपे हैं। मैम आज 18 अप्रैल के दिन साक्षात नाम जी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जो कैंप लगाया गया उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कैंप के बारे में, लेकिन हर साल मेरा ब्रदर डॉक्टर है, वो आँखों के कैंप में आते रहते हैं और अच्छी सेवा देते हैं मेरे ब्रदर। हम यहाँ देखते हैं कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई अमीर है गरीब है नहीं देखा जाता, सभी बड़े दिल से सेवा करते हैं गुरु जी की सीख को मानते हुए। सरकार से क्या मैं मांग करूँगी आप? मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकाला जाए, और हमारी जो इच्छा है उन्हें देह रूप में देखने की, हमें दर्शन हो, क्योंकि गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया है, ये सारी दुनिया सच्चाई जानती है लेकिन बोलता कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं MBA BEd है, उसके बावजूद डेरा के अंदर आ रहे हैं लोग, कहते हैं वेल एजुकेटेड लोग नहीं आते, मगर ऐसा नहीं है, हर वर्ग के लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात है संत जी ने इन्हें इंसानियत की डिग्री जो दी है, उसके बाद किसी डिग्री की जरूरत? मेरा बेटा इंजीनियर है, वो हर महीने यहाँ सेवा देता है। मैम लोग कहते हैं यहाँ वेल एजुकेटेड लोग नहीं। मैम वेल एजुकेटेड बल्कि आजकल के जो बच्चे हैं उनका यकीन ज़्यादा है, क्योंकि वो दुनिया देख चुके हैं मैम कि वहाँ हो क्या रहा है, सच्चाई क्या है, आजकल के बच्चे देख रहे हैं, जिन्हें संस्कार मिले हैं, गुरु जी की सीख मिली है, जो अच्छे कार्यों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वेल एजुकेटेड ही नहीं, यहाँ पर हर वर्ग के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे, और ऐसा भी नहीं है सिर्फ अनपढ़ आते हैं, मगर सबसे बड़ी बात है कि जो मानवता भलाई के कार्य करते हैं, किसी से दान चढ़ावा नहीं लेते, किसी से रुपए नहीं लेते, वो बहुत बड़ी बात है जो कि संत जी की प्रेरणा से आती है। तो ऐसी डिग्री की जरूरत हो आपके पास, उसके बाद आपको कोई ऐसा कहे, मीडिया चैनलों पर जो तस्वीरें दिखाई गई थी, क्या ये एक तरीके का देशद्रोह का कार्य नहीं है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।